नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेक मास्टर दीपक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि बेकरी में हम जो केक बनाते हैं उसकी जो ब्रेड होती है, स्पंज जिसे बोलते हैं, वो कैसे बनाया जाता है। ये मेरे पास एग फ्री एगलेस पाउडर है जिसको हम केक में यूज़ लेते हैं, वनीला का इनहेंस। काफ़ी सारे दोस्तों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप जो बेकरी में ब्रेड यूज़ में लेते हैं वो कैसे बनाते हो, उसकी भी वीडियो बनाइए। तो आज हमने वही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो ये हमारे पास पूरा प्रीमिक्स का पैकेट है, 5 केजी का है ये। इसमें सारी रेसिपी दी हुई है नीचे, हम उसी के आधार पर इसको बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो भी डालने हमें वो सारे लिखे हुए हैं इसमें। इसमें 1 केजी की रेसिपी दी गई है दोस्तों ये, लेकिन ये जो पूरा पैकेट है ये 5 केजी का है, तो हम इसको 5 केजी के हिसाब से बनाएंगे। और इसमें किस तरह से बनाना है ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो हमने पानी इसमें डाल दिया दोस्तों, पाँच केजी का पैकेट है, इस नीचे इसकी MRP दी गई हुई है दोस्तों। इसमें 1 केजी की रेसिपी दी गई है, तो हमें 5 केजी पाउडर यूज़ में लेना है अभी। तो हम इसको सारे जो भी इसमें इंग्रेडिएंट है इनको 5 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। पानी इसमें दे रखा है 550 ग्राम, तो 2750 ग्राम हमने पानी ले लिया है। फाइनल जेल यानी इम्प्रोवर इसमें दे रखा है 14 ग्राम, तो हमें 70 ग्राम यूज़ में लेना है। और उसी हिसाब से पाउडर 1 केजी, तो हम 5 केजी यूज़ में ले रहे हैं। और रिफाइंड ऑयल है इसमें 50 ग्राम, तो हम इसको 250 ग्राम यूज़ में लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने उसमें पाउडर और पानी डाल दिया है, 2750 ग्राम पानी, 5 केजी पाउडर और 70 ग्राम ये जेल हम इसमें डालने जा रहे हैं। इसका 70 ग्राम हमने वेट कर लिया है, इसको हम बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद दोस्तों हमें इसको मिक्सर को स्लो स्पीड फर्स्ट गियर में ऑन कर लेना है। ये मिक्सर हमारा शुरू हो चुका है, इसको स्लो स्पीड में 1 मिनट हमें ऐसे चलने देना है दोस्तों, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी, जेल और पाउडर तीनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसी तरह 1 मिनट चलने के बाद दोस्तों इसमें हमने हाथ से स्क्रैप कर लेना है चारों तरफ से, कहीं पे भी चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है, स्क्रैप डाउन एंड व्हिप द मिक्सर एट हाई स्पीड 3 मिनट। इसको हमने करने के बाद तीसरे गियर में डाल दिया है, तो सबसे इसकी हाई स्पीड है ये, इसी स्पीड में 3 मिनट अब चलेगा। हमें इसको ऐसे चलने देना है 3 मिनट तक, जिससे कि इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाए और जो ये हमारा पूरा घोल है बहुत जल्दी से हल्का होते हुए आएगा। इस हिसाब से हमें इसको चलने देना है। और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने जो केक के ट्रे है जिसमें ये पकेगा स्पंज, उस पर हम साइड से ऑयल लगा दे रहे हैं दोस्तों। और इस तरह से अखबार हमने उसमें बिछा लेना है, नीचे की सतह में उसकी अखबार लग जाएगा और बाहरी सतह में उसमें ऑयल से, जिससे कि हमें जो इसका स्पंज है, वेस्ट है जो, इसको निकालने में आसानी होगी, ट्रे में चिपकेगा नहीं दोस्तों ये बिल्कुल भी। इस तरह से हमने इसको सारे ट्रे तैयार कर लेनी है। इस पर आप घी भी लगा सकते हैं साइड से। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों,
जिससे कि आपको जल्दी हमारी अगली वीडियो जो हम काफ़ी अच्छा सा एक स्नैक्स है वो डिश आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही जल्दी, आप उसे घर पे भी बना सकते हैं। ये हमारी साइड ट्रे तैयार हो चुकी है दोस्तों, और उधर देखते हैं। अब हमें लास्ट इसमें ऑयल दे रखा है दोस्तों 50 ग्राम, तो हमने 250 ग्राम ऑयल तोल लेना है। ये हमने इसको तोल के पहले रख लिया था, इसको धीरे धीरे से डाल देना है, और इसको फिर हमने इसकी स्पीड स्लो स्पीड में डालना है दोस्तों, पहले गियर में, यानी कि धीरे धीरे से इसको ऐसे चलने देना है एक मिनट तक। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आपको वीडियो में देखने में परेशानी आ रही होगी, जो हमारा कैमरामैन था उसने कैमरे को थोड़ा टेढ़ा कर दिया जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही है, आगे ये सही हो जाएगी इसी वीडियो में। ये हमारा ओवन है जिसमें अभी स्पंज पकेगा, और इसका हम टेम्परेचर सेट कर ले रहे हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है, टेम्परेचर 170 और 180। नीचे वाला बर्नल हमारा 180 में चलेगा और ऊपर वाला बर्नल 170 में चलेगा दोस्तों, तो उसी के हिसाब से हमें हीट सेट कर लेनी है, टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर लेना है इसका, ऊपर 170 करना है दोस्तों। ये 170 हमने ऊपर सेट कर लिया, और नीचे वाला बर्नल चलेगा हमारा 180 पे, यहाँ पे 193 हो रहा है तो इसे हमने 180 कर लेना है। 180 हो गया दोस्तों, उसके बाद हमने इसको पुश स्टार्ट कर देना है जिससे कि हमारे बर्नल ऑन हो जाए और ओवन में टेम्परेचर बन जाए। तब तक फिर हमने इसको ट्रे में ट्रिया करके लगा लेना है, जो भी घोल तैयार हुआ है इस घोल को हमको ट्रे में फैला लेना है अच्छे से इस तरीके से। तो इसी तरह से हमने इसको ट्रे में फैला लेना है दोस्तों, चारों तरफ बराबर होना चाहिए जिससे कि स्पंज जब पकेगा, पकने के बाद जब ये फूलेगा तो चारों तरफ इसका बराबर रहे, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ना हो। हमने इस तरीके से इसको फैला लिया है और सारी ट्रेयों में इसको बराबर बराबर डाल देना है। ये हमारी साइड तैयार हो चुकी हैं, 10-15 की हमारी ये 5 ट्रे हैं दोस्तों, 5 ट्रे तैयार हैं पकने के लिए। अब हमारा उधर ओवन में टेम्परेचर बन चुका है दोस्तों, देख लीजिए, ऊपर हो चुका है, 177 नीचे हो चुका है, तो अब हम इसको डाल सकते हैं दोस्तों। बाकी का टेम्परेचर जो सेट टेम्परेचर है वो अपने आप बन जाएगा धीरे धीरे। इस तरीके से हमने सारी ट्रे ओवन के अंदर डाल देनी है। और डालने के बाद हमें इसका गेट बंद कर देना है। अब हमें इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं स्पंज कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट और कितना कलर में कितना प्यारा लग रहा है स्पंज, और फ्लावर भी अच्छी आई है दोस्तों। इस तरीके से एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, टूथपिक या माचिस की तीली की सहायता से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर वो आपको गीली लग रही है तो स्पंज अभी कच्चा है, उसको और पकने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल साफ आ रही है तो वो पक चुका है, और हाथ से दबा के भी इस तरह से देख सकते हैं, अगर वो अपनी जगह पे आ जा रहा है दबने के बाद तो वो पक चुका है। यहाँ पे हमारे सारे स्पंज तैयार हो चुके हैं दोस्तों, हमने निकाल रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, मिलते हैं फिर कैसी ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।